भारत ने तीसरे और आखिरी निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने दूसरी बार साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती है। पार्ल में खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 78 रनों से मात दी। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शतकीय पारी खेली थी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 2 विकेट जल्दी खो दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रजत पाटीदार 22 रन बनाकर आउट हुए। वहीं साई सुदर्शन भी बड़ी पारी नहीं खेल सके, वह मात्र 10 रन बनाकर हेंड्रिक्स के शिकार बने। कप्तान केएल राहुल ने 21 रन का योगदान दिया। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद संजू सैमसन ने तिलक वर्मा के साथ शतकीय साझेदारी की। दोनों के बीच 136 गेंद पर 116 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान तिलक वर्मा 52 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं संभल कर खेलते हुए संजू सैमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला शतक जड़ा। सैमसन ने 114 गेंद पर 108 रन की पारी खेली। अंत में रिंकू सिंह ने 27 गेंद पर 38 रन की पारी खेली। भारत ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 296 रन बनाए। ब्यूरन हेंड्रिक्स को 3 विकेट मिले। भारत के 297 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत ठीक रही। पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी हुई। टोनी डिजॉर्जी ने एक छोर पर संभल कर खेलते हुए 81 रन की पारी खेली। एडन मार्करम ने 36 रन का योगदान दिया। हेनरिक क्लासन ने 21 रन बनाए। भारत की तरफ से सभी 5 गेंदबाजों को विकेट मिले। अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए। और तलब हो कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में अभी तक 9 वनडे सीरीज खेली है। साउथ अफ्रीका ने 7 बार तो भारत ने 2 बार जीती है। कोहली की कप्तानी में साल 2018 में भारत ने वनडे सीरीज जीती थी। अब केएल राहुल की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों ने दोबारा यह कमाल कर दिखाया है।